हे गाइस, माय नेम इज जायज और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक पीकेनर को ऑक्शन वॉन्ट कैसे करना है। गाइस ये नहीं करेंगे, ये बहुत बोरिंग है। क्या करना है फिर पीकेनर ऑक्शन फन गेम में? तुम तो स्टूडियो में कौन ला जा रहे हो? अरे चलो यार स्टूडियो से बाहर निकलो। अरे स्टूडियो में क्यों आए तुम? कपड़े बदलो। हां चलो चलो चलो। अब जसप्रीत ये देखो असली मजा, वो ये पॉडकास्ट एंकर वीडियो बहुत बोरिंग है। अब हम आए हैं एक्चुअल पीकेएल ऑक्शन के लिए यार। इधर हम करेंगे फैंस के साथ मजे। और बताओ जसप्रीत और क्या करेंगे? हम हमारे थ्रू नहीं, हम इन सब के थ्रू आपको बताएंगे कि यार पीकेएल सीजन 11 का ऑक्शन होता कैसे है, कौन से यहाँ पे प्लेयर्स आने वाले हैं, किस तरीके फैंस को भूल जाते हो, फैंस सुपर फैंस मिलेंगे भाई, मजा ही आ जाएगा। वेलकम टू द गेम ऑन ब्लॉग और करते हैं आज असली मजे ले पंगा। अब देखो एक्चुअल सुपर फैन यार गॉडफ्रे, तू बता यार ड्रॉ क्या कर रहा है? तो जो प्रदीप नरवाल है जो कि एक लेजेंडरी पीकेएल के प्लेयर रह चुके हैं, डुबकी किंग I've never met him and I really had a wish to meet. Like he's one of the best player from India. और अब होएगा फैंस के दंगे शुरू। ये देखो इधर है हमारे सुपर फैंस सारे सब। और ठीक है आते आते इनसे थोड़ी एक्साइटमेंट जानते हैं। तो यार tell me that you guys are here for like the super fan experience. कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है कि you know you're getting to witness this up close? एक्सपीरियंस तो बहुत यूनिक है यहाँ पे, मतलब पहली बार ऐसा कोई फैंस ऑक्शन में बुलाया है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और जस्ट देखते क्या हो रहा है। अब यार फैन लाउंज तो बहुत देख लिया, अब थोड़ा देखते इधर वेन्यू में क्या क्या है, पीकेएल ऑक्शन कैसा लगता है। तो चले यार लेट्स गो। काफी इंटेंस चल रहा है ये मॉक ऑक्शन भी, पर ऐसा लग रहा है कि रियल ऑक्शन चल रहा है। तो देखो यार काफी मजा आ रहा है एक्चुअली, ये सब एक्चुअली बिड्स उठा रहे और एक्चुअली स्क्रीन पे चल रहा है। व्हाट अ ग्रेट टाइम टू बी अ फैन, व्हाट एन अमेजिंग टाइम टू बी अ सुपर फैन। पैड्स तो ऐसे उठा रहे हैं जैसे इनके पास बहुत पैसा हो। How does it feel to be part of this mock auction? It's a great one to be here. It looks to be so realistic for us. How the players, how the coaches do it, and we are expecting the same thing over here. And the auction is doing great job over here for us. I'm allowing it, bro. I'll tell you what. They're saying 60 lakhs. If they ask you really, then what will you do? I'll give them. Give them. Everything is for them. So UP Odas for them, right? You have a little 60 lakhs. Can you do it? Can you do it? Can you put more land? Then team to win. अगर इनसे सच में कोई पैसे मांग लेगा ना, किसी के पास एक छोटी कौड़ी नहीं है ठीक है, इनसे पूछ चला हूँ कि पैसे कहाँ से लाएं, तो दे देंगे भाई, टीम के लिए कुछ भी कर लेंगे। प्रदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल तो इस बार दबंग दिल्ली केसी में आएगा और हम ही लेंगे इसे भाई। प्रदीप नरवाल के खून में पटना पायरेट्स है भाई, दबंग दबंग दिल्ली में आएगा इस बार, दबंग दिल्ली। इसकी बात पे कोई भरोसा नहीं, मैं बता रहा हूँ। How does it feel like to conduct a PKL auction? Well, it's always exciting, right? Because you never know what's going to happen. There are always surprises thrown up. The players, who's going to do well, who's going to be fought over the most. Nobody can tell that. It's in real time. So it's actually lots of fun and quite exciting to see what happens. Now, guys, we have stage deck and let's see the trophy. And it's like all looking too good. यार वाव यार, इसके छूने के हकदार तो कबड्डी प्लेयर्स हैं, हम तो हैं नहीं बिल्कुल भी। Just once. No. भाई देख, फैन हो गए, प्लेयर हो गए, सब कुछ हो गया, भूख लग रही है यार, पेट पूजा हो जाए। मैं तो ऑलरेडी खा रहा हूं, तुम कुछ कर दो। ये देखो भुक्कड़ आदमी इधर लगाओ भाई, ये अक्षय पकड़े जाते हुए। हां खाना और वो छोड़ो, वो छोड़ो इधर सर, कैसा है ये देखिए, ये देखिए ये आदमी सर। आई एम वेरी हंग्री, इट्स बीन लाइक 4 आवर्स एंड आई सजेस्ट आप लोग कुछ खा लें। अच्छा है सर, आपने दिस इज माइन पूछा भी नहीं। अच्छा है सर, अच्छा है सर, तो मैं यही करूं बस, मैं लूं यहां से और आप लोग खाओ। यार अब तो वेन्यू टूर हो गया खत्म और बहुत ही ग्रैंड और मस्त था। और हर्ष तो मिल भी गए मनप्रीत सर से भाई, हरियाणा स्टीलर्स के कोच। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर सर एक सेकंड, मैं माइक लेता हूं। म्यूजिक तो यार अब लेट्स गो बैक टू द सुपर फैन लाउंज और फैन से और बातें करते हैं और उनसे समझते हैं ऑक्शन चलता है कैसे और उनके साथ ऑक्शन देखते भी हैं। तो यार लेट्स गो।
तो यार अभी हाई फ्लायर पवन शरावत का ऑक्शन चल रहा है, तो यार बता यार क्या कितने में जाएगा, क्या फील है अभी? एटलीस्ट मेरे को अभी तो एक्सपेक्टेशन जो है ना मैक्स टू मैक्स मेरे को लग रहा है 2.4-2.5 तो नॉर्मल, वो तो हाईएस्ट होगा अभी तक, हाईएस्ट लास्ट ईयर भी हाईएस्ट था पवन शरावत का और इस ईयर भी हाईएस्ट जाएगा क्योंकि पहले बात लास्ट ईयर एज अ रीडर था, अभी ऑलराउंडर एज ऑलराउंडर यहाँ पर है और ऊपर से कैटेगरी ए के अंदर बहुत कम प्लेयर्स हैं इंडिया के और फॉरन के भी, सो हिसाब से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 2.4 और 2.5 करोड़ का। चलो देखते अपना हाई फ्लायर कितने में जाता है, ठीक है चलो भाई लोग अब मुझे बताओ अपना हाई फ्लायर चला गया 1.72 में, अब बताओ उस पर क्या फीलिंग है तुम लोग की? कुछ नहीं है भाई, सही है कि अब की बार लग रहा है कि हाँ एक फेयर प्राइस पे गए, सादलू थोड़ा महंगा गया है। ये डिस्क्राइब करता है कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता टीमों ने क्या सोचा है, लेकिन देखा जाए तो पवन पिछली बार अच्छा प्लेयर था लेकिन गया तेलुगु में था 2 पॉइंट हाईएस्ट भी गई थी, लेकिन उसका परफॉर्मेंस देखो तो आप वो इतना खास नहीं था उतना जितना होना चाहिए था, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो सही रेट पे गया देखो। तो यार अब हम है दो सुपर फैंस के साथ और ऑक्शन चल ही रहा है, तो अब ये हमें समझाएंगे एक्चुअली पीकेएल का ऑक्शन चलता कैसे और उसमें मतलब इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी और इस साल क्या बढ़िया हो रहा है। चलो यार तो देखो कबड्डी जैसे गेम डायनेमिक है ऐसे ऑक्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, बट ऑक्शन का आइडिया लेना जैसे आईपीएल आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने, क्रिकेट नॉलेज सबको है, उस तरीके से ऑक्शन चलता है, जो जितना वैल्यूएबल प्लेयर है रेडर है डिफेंडर उस हिसाब से उसकी वैल्यू लगती है, फॉर एग्जाम्पल ए कैटेगरी प्लेयर 30 लाख से स्टार्ट होगी, ऐसी 10 लाख का डिक्रीमेंट होता रहता है कैटेगरी हिसाब से, बी कैटेगरी तो 20 लाख से होगी, सी कैटेगरी और कम से होगी, इस हिसाब से चीज़ चलती है सारी। फिर क्या सीन है कि जो प्लेयर ज़्यादा वैल्यूएबल है जो ज़्यादा रेड पॉइंट्स उसने लास्ट सीजन में इकट्ठे करे थे उसकी रैंक क्या रही थी उसके हिसाब से उसकी वैल्यू टीम्स लगाती है, अब उनकी टीम से फिट बैठ रहा है वो नहीं बैठ रहा है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव लेफ्ट कॉर्नर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो टीम कोई स्ट्रॉन्ग दूसरे लेफ्ट कॉर्नर तरफ नहीं जाएगी क्योंकि उनकी टीम में ऑलरेडी वो प्लेयर है। सो अभी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ चल रही है, फॉर एग्जाम्पल पवन शरावत जिनकी हम एक्सपेक्ट कर रहे 2 करोड़ से ऊपर ऑक्शन में प्राइस जाएगा बट उसका प्राइस बहुत कम गया, और अभी जो सबसे तगड़ी चीज़ जो चल रही है वो चल रही है सचिन तंवर के साथ में जिनका प्राइस काफ़ी हाई जा रहा है और उसकी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे योगेश भाई आगे। फिलहाल 1 करोड़ 69 हो गया है, 1 करोड़ 69 लाख और आज तक की इसकी हाईएस्ट बिड है, मेरे ख्याल से जो हाईएस्ट बिड है उसकी भी दुगुनी हो चुकी है और ये अनएक्सपेक्टेड है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोच भी नहीं थी इतना जाना, अभी तक में ना नहीं इधर देखो माहौल ये सोच रहे हैं कि नॉर्मल बोली लग रही है पर बाद में गौर करेंगे कितना महंगा चला गया, चिल बैठे चाय पी रहे बैठे। और यार मुझे FBM कार्ड के बारे में बताओ, लोग समझे FBM कार्ड क्या है? हर टीम के पास 3 FBM है, मतलब जो भी खिलाड़ी उनके पास पिछले साल थे वो ऑक्शन में आए, यदि कोई टीम उनको बिड लगा रही है और टीम को लगता है कि एक सही रेट में वापस आ सकता है टीम में तो FBM यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लो पवन मेरी टीम में था ऑक्शन में आ गया और आपकी टीम ने उसको 1 करोड़ में खरीद लिया, मैंने पिछले साल पवन को 2 करोड़ में खरीदा मेरे को दिख रहा है आपने 1 करोड़ में डन कर दिया, अब मैं FBM यूज करके 1 करोड़ में इस बार जो तेलुगु टाइटंस ने कर दिया तो आपके वो FBM कार्ड उन्होंने परफेक्ट यूज किया, परफेक्ट एक जो खिलाड़ी पिछली बार 2 करोड़ 60 लाख में मिला था वो 1 करोड़ 70 में मिल गया, 90 लाख बच गए। चलो वो तो बात सही है, अब देखते हैं यार जब हमारे मनिंदर सिंह और प्रदीप नरवाल जाते हैं कितने में जाते हैं, उनका रिएक्शन क्या है, हम सबका रिएक्शन क्या है, तो ब्लॉग देखते रहो यार तभी पता चलेगा असली मजा। इधर स्टार्ट हुआ है हमारे माइटी मनिंदर, देखते हैं प्लेयर बिक रहा है उधर और प्लेयर बिक रहा है, वाव जट तो मुकाबला इसके बाद मनिंदर पाजी पार्टी देंगे सबको आपने कहा जाना है पाजी? बंगलौर कैसा लग रहा पाजी आपको? बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो यार आज का पीकेएल ऑक्शन में तो बहुत मजा आ गया, हम ऑनेस्टली अब थक तो गए हैं बट व्हाट अ लॉन्ग डे बट व्हाट अ ग्रेट पीकेएल ऑक्शन, मेरे लिए बेस्ट मोमेंट तो था जब हम वो मॉक ऑक्शन में गए और हमने वो मेरा बेस्ट फील था। अक्षर यार मेरे लिए तो इंटरेक्शन विद द प्लेयर्स काफ़ी चिल प्लेयर्स है तो उनके साथ काफ़ी बातें करी और मिठाई विठाई खिलाई तो आई थिंक दैट वाज अ गुड मोमेंट। आई इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम मैंने इमेजिन ही नहीं किया कि प्लेयर मेरे सामने बिक रहा है और मैं वही प्लेयर के साथ में बैठ के देख रहा हूँ उसको ऑक्शन होते हुए, आई थिंक दैट वाज अ हाईलाइट फॉर मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पीकेएल सीजन 11 ऑक्शन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गेम ऑन को। सब्सक्राइब टू गेम ऑन। अरे